दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ है भोजपुरी फिल्म निर्माता प्रेम राय जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आपके चैनल के माध्यम से सबको प्रणाम है। आपकी टोपी बहुत खूबसूरत लग रही है, पूमा कंपनी की। टोपी हमेशा खूबसूरत ही रहती है। अच्छा, जो दूसरों को पहना दिया जाता है। तो ये दूसरों को पहनाते हैं या खुद पहनते हैं आप? दोनों 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 करते हैं। और शर्ट आपके जैसे लोग मिलते हैं तो पहना देते शर्ट हैं। भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, रेड कलर, उस पर व्हाइट धारी है। रेड नहीं है, नारंगी है, ऑरेंज ऑरेंज है। नेक्स्ट, आज हम लोग इकट्ठा हुए खेसारी लाल यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं मुंबई में। कैसा, क्या कुछ प्लानिंग है, क्या किए हैं अभी तक बताएं? खेसारी लाल जी हमारे भाई समान हैं और काफ़ी अच्छे इंसान हैं, और हर साल जब भी वो बम्बई में रहते हैं तो उनका बर्थडे मनाया जाता है। हम लोग घर पे हैं। मनाते हैं जी जी अक्सर। तो इस साल वो शूटिंग में व्यस्त हैं इलाहाबाद में, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पे बर्थडे मना लिया जाए। और जब हम लोगों ने केक काटा तो ऑनलाइन थे, इस माध्यम से हम लोगों ने उनके साथ बर्थडे मना लिया। मन होना चाहिए और क्या, दिल होना चाहिए। शरीर तो बहुत दूर दूर रहता है, पर दिल मिला रहता है तो वही बड़ी बात है। केक काटा गया है, उसमें देख रहा हूँ किसी मूवी का जिक्र किया हो गया था, क्या था? हाँ, ये हमारे पिछले महीने में एक फिल्म का मोहरा था वास्तव, तो अभी कुछ न कुछ तो केक पे लिखना ही था, तो हमने वो फिल्म का नाम ही लिख दिया। दिल से बोलिए खेसारी जी को जन्मदिन में क्या कुछ कहना चाहते हैं। खेसारी जी को यही बोलेंगे, हमारे छोटे भाई हैं और भोजपुरी के सुपरस्टार हैं। भगवान उनको काफ़ी तरक्की दे। उन्होंने जो भी अपनी उनकी मनोकामनाएं हैं, भगवान उसको पूरा करे, उनको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, खुश रखे। दो फिल्में आपने प्रोड्यूस किया खेसारी जी को लेके, जाने मन और आतंकवादी। दोनों के शूट कैसे रहे और कितना अच्छा व्यवहार रहा उनका? काफ़ी अच्छा व्यवहार था, शूट भी काफ़ी अच्छा था। सिंगल शेड्यूल में फिल्म कंप्लीट हो गई थी। टाइम से 2 दिन पहले उन्होंने फिल्म को कंप्लीट करके दे दिया था और हमने टाइम पर रिलीज भी कर दिया था। खेसारी जी आज इस वक्त प्रयागराज में जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कुछ किए दिन भर में, कुछ जानकारी है आपके पास? नहीं, थोड़ा मोटा जानकारी है। वो अनाथालय में गए थे, वृद्धाश्रम में गए थे, वहाँ पे उन्होंने काफ़ी लोगों के साथ में अपना समय बिताया, उनको गिफ्ट दिया। अब शाम को शायद पार्टी वार्टी होने वाली है, तो थोड़ी देर के बाद बताएंगे। तो आप उनके नेक्स्ट फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, आप क्यों नहीं गए? मुझे काम था भाई साहब यहाँ पे थोड़ा सा, इस वजह से नहीं जा पाया। अच्छा, और यहाँ मना लिया ना। और कौन कौन सी फिल्में आपने प्रोड्यूस की है? फिल्म तो बहुत सारी है, जाने माने हुकूमत है, आशिका वारा है, आतंकवादी है, सैया सुपरस्टार है, बॉस है, अभी 5 फिल्म का मुहूर्त हुआ है हमारा, हिंदुत्व है उसमें, फसल है, वास्तव है, सन्यासी है और जाने मन टू है। कब तक फिल्म शुरू हो सकती है पांचों? नेक्स्ट मंथ से फिल्म शूटिंग चालू हो जाएगी और जैसे जैसे डेट मिलता जाएगा वैसे वैसे फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा गॉसिप चलते ही रहती है, कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको लेकर भी गॉसिप चलती है कि प्रेम जी ने फिल्में तो मुहूर्त किया है लेकिन कब तक बना सकते हैं, क्या बनेगी या नहीं बनेगी? देखिए, बोलने वाले का काम है बोलना। राम भगवान को भी कोई नहीं छोड़ा आज तक, तो जिसको बोलना है वो बोलता रहे। इसके पहले भी मैंने प्रूफ किया है, 3 फिल्म अनाउंस करके बना के कंप्लीट करके रिलीज किया मैंने, तो वो अब बोलने वाले को बोलने देगी। जब फिल्म बन के रिलीज होगी तो वो खुद बोलेगी कि हाँ भैया बना दिए। भोजपुरी में कॉर्पोरेट हो या फिर नए प्रोड्यूसर घुसना चाहते हैं, क्या उनको कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ बिजनेस कैसा है भोजपुरी इंडस्ट्री? स्वागत है, बिजनेस ठीक ठाक है, आपको नुकसान एटलीस्ट नहीं होता है। बाकी दूसरी लैंग्वेज की जो फिल्में हैं उनमें आपको नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है, भोजपुरी में आप सेफ हैं। तो सबका स्वागत है, सब लोग आए भोजपुरी के साथ मिल के काम करें, भोजपुरी को आगे बढ़ाएं। प्रेम जी, आपका नाम प्रेम है, क्या किसी से प्रेम से बात करते हैं आप? सबसे प्रेम से ही बात करते हैं। इंटरव्यू देते हुए कैसा आपको लग रहा है, प्रेम से बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल प्रेम से बात कर रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। नहीं, मैं तो प्रेम से ही बात कर रहा हूँ, आपका फीलिंग जानेंगे तब पता चलेगा ना कि आपके साथ प्रेम। हमारा जो दर्शक वीडियो देख रहे हैं उनको कैसा इंटरव्यू लगा आप लोग जरूर बताइएगा। प्रेम जी का इंटरव्यू प्रेम है या गुस्सा वाला है ये आप लोग जरूर बताइएगा। प्रेम जी आगे बढ़ते हैं, क्या आपने कभी ऐसा कुछ महसूस किया कि मुझे अभिनय करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रोड्यूसर का काम है सिर्फ फिल्म को प्रोड्यूस करना, तो हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। कॉमेडी तो कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आज जो ड्रेस है उसमें भी कॉमेडी झलक रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रेस तो ड्रेस होता है, झलक आप अच्छी नजर से देखें। अभी तक किस किस हीरोनों के साथ आपने वर्क किया है? ऑलमोस्ट सबके साथ में काम किया है जो जो है इंडस्ट्री में। जैसे सबके साथ, ऑलमोस्ट सबके साथ, जितनी भी हीरोइनें हैं अभी जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं बड़ी हीरोइनें, सबके साथ काम कर रहे हैं। अभी रवि जी के साथ पिक्चर कर रहे हैं, रवि जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? रवि जी भोजपुरी इंडस्ट्री के एक आधार स्तंभ हैं और काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं
और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, भोजपुरी के भीष्म पितामह हैं, और सिर्फ भोजपुरी नहीं, उन्होंने हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, बंगाली में, सब जगह भोजपुरी का डंका बजाया है, भोजपुरी से जा करके उन्होंने काम किया है, और आज के टाइम में वो गोरखपुर से सांसद भी हैं, तो एक साथ तो उन्होंने बहुत सारा काम किया है, तो मल्टी टैलेंटेड जिसको बोल सकते हैं, उनका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा है, मेरे बड़े भाई समान हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। मूलतः कहाँ के रहने वाले, किस गांव के हैं और क्या किया है अपने गांव वालों के लिए? मैंने तो गांव वालों के लिए बहुत कुछ नहीं किया है, क्योंकि मेरी पढ़ाई जब तक हो रही थी तो मैं गांव ज़्यादा जा नहीं पाता था, पिताजी देखते थे, पर अब मैं गांव वालों लोग के लिए बहुत सारा काम किया हूँ। गांव में मैंने सोलर लाइट लगवाया है, गांव के स्कूल में मैंने बेंचेस लगवाए हैं, टीवी लगवाया है, साउंड सिस्टम लगवाया है, तो जो भी एक विद्यालय को ज़रूरत है, जो भी एक गाँव में ज़रूरत है, वो सारा मैंने लगवाया है मेरे हिसाब से। जिला और गांव का नाम बताएं। जिला का नाम है मऊ नाथ भंजन और गांव का नाम है आप बताइए। पूना जिला। पूना चलिए जिला। जाते हैं, दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही बोलना चाहेंगे कि आपका अब प्यार सदा बना रहे और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी फिल्में आपको बना के देता रहूं। धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।